वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक यानी कि सेल स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक की बात किया तो आज देख सकते कि ओपन फ्लैट डी थी यहाँ पे सेल स्टॉक ने तकरीबन रिसेंटली 71.05 पे ट्रेडिंग कराए, 1 पॉइंट की रैली किया, तकरीबन 1.57% की रैली करता हुआ नजर आ चुका है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक। तो रिसेंटली देख सकते कि सुबह में ओपन होकर प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे थी, जैसे प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेकआउट दिया तो देख सकते कि एक अच्छी रैली देखने को मिली 70 लेवल के ऊपर। यहाँ पे 71 लेवल को भी रिसेंटली ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखा जाए तो देख सकते कि जो मार्केट के यहाँ पे 29,000 करोड़ का है और पी रेशो अभी भी अच्छा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पिछले 5 दिनों में तो 7.49% की रैली की, 5 पॉइंट की रैली की, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चार्ट एनालिसिस पे भी नज़र डाली जाए तो रिसेंटली देख सकते हो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक ने आज देख सकते कि अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ चुका है, क्योंकि पिछले कई दिनों से यहाँ पे आप देख सकते ए लेवल पे सपोर्ट भी लिया गया था और यहाँ पे कल रेजिस्टेंस भी लिया गया था 70 लेवल पे। तो उसी लेवल को ब्रेकआउट दे रहा है अच्छे वॉल्यूम के साथ, जो भी अच्छी बात है। ऊपर आज क्लोजिंग देता है तो देख सकते कि ऊपर जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं, तकरीबन यहाँ पे 78 to 80 लेवल तक इजिली जा सकता है। तो देखा जाए तो रिसेंटली देख सकते कि 70 लेवल को तो ब्रेक किया है, तो कल ऊपर ओपन होता है फिर भी यहाँ पे ऊपर ओपन होता है नीचे आता है, तो 70 लेवल जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक के लिए। जो देख सकते कि ऐसे ऊपर सेटल होते तो ऊपर जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट सेल स्टॉक के लिए।